के गुणों के गान में श्री वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार जो अपना चल रहा है पहली कथा से, वो अभी जयपुर शिविर में समर अधिकार चला था, और जयपुर शिविर के बाद भी चालू रहा था, तो वो अपनी 186वीं गाथा तक समाप्त हो गया है। 186वीं और उसके बाद का कलश। अब यहाँ पर 187 गाथा से आरंभ करना है उसी क्रम में। जो पिछली गाथा है 186, उसमें कहा है कि जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वो शुद्धता को प्राप्त होता है, और जो ऐसा जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ वो अशुद्धता को प्राप्त होता है। ये बात कही थी उसमें। गाथा ऐसी है कि शुद्धम तु व्याणंतो शुद्धम चैव पयम् लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम् लहदि। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। कि जो ऐसा जानता है कि मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा जानता है कि मैं अशुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। लोक में भी ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है, ठीक है ना। और आचार्य देव ने तो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है कि है तो वो आदमी, लेकिन वो ऐसा चिंतन करे कि मैं भैंसा हूँ और मेरे सींग इतने बड़े बड़े हैं कि वे लोकाकाश के इस कोने में और उस कोने में जाके फंस गए हैं। अब जैसे कि ये देख कोने हैं, हॉल के दो कोने हैं ना, अब इन कोने में उसके सींग फंस जाएं तो वो गर्दन नहीं हिला सकता, हिलाएगा तो गर्दन टूट जाएगी। ऐसा सोचने वाला कि तो बिल्कुल स्थिर रहता है। आचार्य देव ने ये उदाहरण अपने घर से नहीं बनाया है। जो हठ योगी मन वचन काय की स्थिरता के लिए काय हले नहीं, मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे काया हिलनी नहीं चाहिए, तो उसे ऐसा बताया होगा तू ऐसा सोच कि मैं ऐसा बड़ा भैंसा हूँ कि जिसके सींग लोकाकाश के अंतिम भागों में अड़ गए हैं, तो मैं हिला नहीं सकता, हिलाऊंगा तो गर्दन टूट जाएगी, तो तुम बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। एक विधि बताई, तरकीब बताई। तो मुझे तो उस उदाहरण से ज़्यादा मतलब नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई आदमी, वो भैंसा बिल्कुल ना द्रव्य दृष्टि से है ना पर्याय दृष्टि से है, पर्याय दृष्टि से महेश है, मनुष्य है बिना सींगों वाला और द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा है, किसी भी अपेक्षा भैंसा तो नहीं है ना, फिर भी वो भैंसा सोचे तो भैंसे पने को प्राप्त हो जाता है, कहते हैं। जब ये गलत ही बात हो जाती तो सही बात जो सोचेगा कि मैं शुद्ध हूँ तो वो शुद्धता को क्यों प्राप्त नहीं होगा। जो एकदम गलत बात थी, भैंसा का ध्यान करने वाला अपने को भैंसा समझने लगता है, तो तू आत्मा तो है, तू आत्मा का अविरल धारा प्रवाह रूप से अंदर में ध्यान करेगा, ये ध्यान करेगा अर्थ में अभी थोड़ी दो मिनट बाद बताऊंगा, जो आप लोगों ने अर्थ समझ रखा है वो नहीं है, इतना समझ है। वो अपने को ध्यान भैंसा मानने लगता है। तो ये गाथा ऐसी गाथा है जिसको गुरुदेव श्री के विरोधी विद्वानों ने वो उस पर लिखवा कर क्या बोलते आप वो और लिए फिरते थे नारे लगाने वाले, बैनर पर लिखवा कर लगाते हैं ना और नारे लगाते हैं राजीव गांधी वापस जाओ कैसे
है ना, कि राजीव गांधी हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा जो नारा लगाने वाले ऐसा लेकर के चिल्लाते हैं कि देखो इसमें तो ये लिखा है साफ कि जो शुद्ध मानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, यानी शुद्ध है नहीं मानता है इसलिए प्राप्त होता है, इसलिए आचार्य ये उपदेश देते हैं कि तुम ऐसा मानो कि शुद्ध हूँ। यदि शुद्धता को प्राप्त होने की बात है तो उसका तो साफ मतलब है कि अशुद्ध हूँ, यदि शुद्ध हूँ तो शुद्धता को प्राप्त होने की बात क्या है। उसके विरुद्ध मेरा तर्क ये है कि यदि मैं शुद्ध हूँ ये बात गलत है, तो गलत बात को मानने जानने और उसका ध्यान करने से शुद्धता की प्राप्ति होती, ऐसा अर्थ हो गया। और जैसा है वैसा चिंतमन नहीं करो, और जैसा नहीं है वैसा चिंतमन करो। असलियत में समस्या ये है कि पर्याय में अशुद्धि होने पर भी उसी समय स्वभाव दिव्य स्वभाव से आत्म वस्तु स्वभाव से शुद्ध है ये लोगों के ख्याल में नहीं है। शुद्ध है तो अशुद्ध है तो शुद्ध कैसे होगी, अशुद्ध है तो अशुद्ध कैसे होगी, ये उसे लगता है। तो वो कैसे घटित करता है कि संसार अवस्था में अशुद्ध है और मोक्ष अवस्था में शुद्ध है, लेकिन ऐसे नहीं घटाया जाता है। एक वस्तु एक क्षेत्र एक काल से ही घटित की जाती है, समझे ना। ऐसा नहीं कि वो तो काल अलग हो गया मोक्ष का भविष्य का, और ये वर्तमान का काल हो गया, क्षेत्र भी अलग हो गया। तो वो कहते हैं कि अभी दोनों चीज़ें एक साथ घटित होनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीज़ें, कि मैं शुद्ध हूँ और मैं अशुद्ध हूँ। नीचे नीचे देखो बेटा, उसको रखो रख दो वहाँ रख दो। मैं शुद्ध हूँ और मैं अशुद्ध हूँ, तो ये बात मैं ये कहता हूँ कि जिसके आधार से जैसे चिंतमन से शुद्धता प्रकट होती है, तो इससे सिद्ध होता है कि वो वर्तमान में शुद्ध है। क्या वर्तमान में अशुद्ध है और भविष्य में शुद्ध होगा, ये बात नहीं है। ये शुद्ध होने वाली बात नहीं है, शुद्ध है वाली बात है कि स्वभाव से मैं शुद्ध हूँ। माने जो अपने स्वभाव का ध्यान करता है वो पर्याय में भी स्वभाव को प्राप्त होता है। प्रश्न ऐसा था कि कथम शुद्धात्मा उपलम्भाद संवर इति चेत, पिछली गाथाओं में ये कहा था कि शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर होता है, तो वो कहते कैसे हो सकता है शुद्धात्मा की प्राप्ति से संवर होता है, तो इस शुद्धात्मा की प्राप्ति का मतलब क्या, तुझे शुद्ध होना नहीं है, तू तो शुद्ध है, फिर होने की बात क्यों कह रहे। कि ये जानना है कि मैं शुद्ध हूं, इसका नाम है शुद्ध होना। फिर सुनो, शुद्ध तो हूं और शुद्ध होने का अर्थ क्या है, ये जानना कि मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध होने का अर्थ कोई और सफाई वफाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि कुर्ता मैला है इसको साफ करो तो शुद्ध हो जाऊँगा। क्या जैसे छड़ाला में भी आता ना, निज भाव को न्यारा किया वरुणादि अरु रागादि ते, निज भाव को न्यारा किया, तो करना वरना कुछ नहीं है, बस ये जानना है कि ये जुदे हैं और मैं जुदा हूँ। वर्णादि और रागादि जुदे हैं और मैं जुदा हूँ, ये जुदा हूँ ये जानना है, करना नहीं है। तो किया क्यों लिखा, कि आत्मा का करना तो जानना ही रूप होता है, ज्ञान के अलावा तो परम कुछ करता ही नहीं है, उसका करना जानना ही है। लोगों की समझ में नहीं आ रहा, जानना करना कैसे हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि टू डू ये वर्ब है ना, क्रिया है ना, टू डू, तो टू नो ये क्रिया है कि नहीं है, है?
तो करना क्रिया है तो जानना क्रिया है कि नहीं, जाना क्रिया है, पकाना क्रिया है, उठना बैठना क्रिया है, तो जानना भी तो एक क्रिया है ना, ज्ञान भी तो एक कार्य है ना, इसलिए किया कह दिया, उसमें क्या हो गया। लेकिन हमें समझने लग गया कि जानना अलग है करना अलग है, हमने जानने को क्रिया नहीं मानी, इसलिए हमें भ्रम हो गया, ये करना पड़ेगा। राग से और वर्णादि से और रागादि से आत्मा को भिन्न करना पड़ेगा, हमारे दिमाग में ये आ गया, इसलिए वो अशुद्ध है। यदि जानना पड़ेगा तो वह अशुद्ध नहीं रहता है, वो शुद्ध है, पर हमने जाना नहीं है, पर हमें जानना है। तो ये गड़बड़ी तो जानने में हुई भाई साहब, वस्तु में कम होती, वस्तु में तो गड़बड़ी हुई नहीं। मैं शुद्ध हूँ ऐसे जानने का नाम शुद्ध होना है, ऐसे मानने का नाम शुद्ध होना है। अब और मैं शुद्ध हूँ ऐसा जानते मानते रहने का नाम शुद्ध स्मरण ध्यान, ध्यान एक ध्यान का अर्थ ये है। दो चार साल पहले मैंने इसी हॉल में एक बात कही थी, अजपा जाप की कही थी ना, और मेरे किताब में भी लिखी है। एक अजपा जाप होता है, ये अजपा जाप क्या है, आपने बहुत से अजैन साधुओं को ऐसी हालत में देखा होगा कि वे अपने इस हाथ में एक लाल थैली बांधे रहते हैं, थैली, और हाथ में एक माला रखते हैं, और वो अंदर अंदर माला को ऐसा ऐसा फेरते रहते हैं, और वो कहते हैं जी हमारा अजपा जाप है वो, ऐसा मैंने हम 24 राम 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 ऐसा करते रहेंगे और माला फेरते रहेंगे, तो वो बीच में आपसे बात नहीं करने लगते हैं, और वो गुड़िया आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो कहते हैं मेरा जाप बंद नहीं हुआ क्या, इसलिए उसे बोलते कि जपना नहीं पड़े और जाप होता रहे, अजपा जाप, जप जप के जाप तो होता ही है, जपे नहीं और जाप होता रहे उसका नाम है अजपा जाप। अजपा जाप का वास्तविक अर्थ क्या है कि जैसे मैंने निर्णय कर लिया कि मैं तो सकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, वर्णादि से भिन्न हूँ, रागादि से भिन्न हूँ, पर्याय से भी भिन्न हूँ, गुण भेद से भी भिन्न हूँ, जो भी अपन ने दृष्टि के विषय के बारे में निर्णय किया ना, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा उसने जो निर्णय कर लिया ना, अब ये निर्णय उसके ज्ञान में श्रद्धा में निरंतर बरतता रहता है, एक क्षण को भी नहीं हटता, ये तो सब मानते हैं श्रद्धा में बरतता रहता है, लेकिन ज्ञान के मामले में गड़बड़ मन है। वो कहते हैं जब हमने ज्ञान परम को जानने लग गया ना, तब वो उस आत्मा को ये जानना बंद हो जाता है, ये बात गलत है, सही नहीं है, तब वो उपयोग रूप से बंद हो जाता है, लेकिन लब्धि रूप से ज्ञान पर्याय में कायम रहता है, वो लब्धि रूप से ज्ञान पर्याय में कायम रहने का नाम है अजपा जाप। तो वो कहते हैं ये बात मेरे ध्यान में है, अपन कहते हैं ना बीच में, तो ये ध्यान है जो आप ऐसे बैठ गए आँखें बंद करके वो ध्यान है, और आप बाहर को देखने लग गए वो ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान का दूसरा अर्थ समझ में आई नहीं, आप मैं कोई बात कह रहा हूँ तो बीच में आपने कोई बात कही तो मैं इतनी कह करके कि ध्यान में है, वो बात मेरे ध्यान में है, साफ रहो शांत रहो, आप आएगी समय पर, तब ध्यान में है ना, आप समझ गए ना आप, वो ध्यान का अर्थ क्या हो गया, थोड़ा पलटा कि नहीं पलटा है, गुरुदेव की भाषा में बताऊं, खबर छे बड़ी खबर छे, हजारों ग्रंथ देखा छे, लेकिन हम तो जो बात कह रहे हैं उसके बारे में तो तुम कुछ नहीं कह रहे, और खबर छे बड़ी खबर छे माने मेरे ज्ञान में वो बात है, वो ज्ञान को ये भी कहते ध्यान में है, कहते हैं ना मेरे ध्यान में वो बात है, ऐसा समझ लो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा
यदि उस ध्यान में से, जिसे हम लब्धि ज्ञान कहते हैं, एक समय को भी निकल जाए तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा और समय दर्शन भी छूट जाएगा। अपने कहते समय दर्शन कैसे छूट जाता है, ऐसे छूट जाता है। जब अशनि में जाता है तो छूट जाता है ना, क्योंकि वो बात निकल जाती है उसके अधिपाधाप में से। इसको और गहराई से समझना हो तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक आदमी अरबपति है, अब वो गया कहीं तीर्थ यात्रा पर और वहाँ उसका सारा सामान चोरी चला गया, अकेले एक कपड़े पहने रह गया, उसकी जेब में एक रुपया भी नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो थोड़ी दुख तो होता है उसे, अब व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन वो घबराता नहीं है, उसे हार्ट अटैक नहीं होता, इतना तो दुख है। कभी किसी को कहना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा साथ ऐसा ऐसा हो गया है, अभी आप 1,000 रुपया दे दो तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो घर से मैं भिजवा दूंगा, क्यों? लेकिन उसको माथे पर सल नहीं पड़ता, काय के दम पर नहीं पड़ता सर, कि घर पर जो वो अरबों की संपत्ति है वो 24 घंटा उसके अजपा जाप में है, वो ध्यान में है, वो ज्ञान का गेय बन रही है, क्या फर्क पड़ता है, तेरे गया तो गया। और अब एक आदमी की जेब में सिर्फ 100 रुपया है और मुश्किल से तन तोड़ मेहनत करके पाए थे, ख्याल में नहीं ना, और अब वो जा रहा था रेल में कहीं अपने घर और उसकी जेब कट जाए और सिर्फ 100 रुपये जाए, समझे ना, तो उसकी आंखों में आंसू की धारा टूट पड़ेगी एक बार, क्यों कि अब वो किसी थोड़ी कहते मैं घर जाके भेज दूंगा। ये दोनों के जो दुख में अंतर हो रहा है वो किस बात का है, क्यों कि साहब वो बहुत धैर्यवान है, धैर्यवान नहीं, इस बात का, इसको अब ये समझता है यही मेरे थे, अब मुझे भूखा रहना पड़ेगा, अब मुझे चाय नहीं मिलेगी, अब मुझे ट्रेन में से उतार देगा बाबू और यहाँ की सड़क पे खड़े खड़े भीख मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उसका वो सर्वस्व लुट गया है और इसका वो सर्वस्व में से बहुत जीरो गया है। तो ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव में हमारा अजपा जाप रहे तो पर्याय में कितनी भी लाभ हानि हो तो उसके माथे पर सल नहीं पड़ता ज्ञानी धर्मात्मा के, और अज्ञानी का तो सर्वस्व ही वो है, समझे ना, तो इसलिए उसे अनंत दुख होता है। तो मैंने कहा ना ध्यान का अर्थ क्या है, ध्यान जैसे आंख में बंद करके जो बैठा उसी का नाम ध्यान नहीं है, नहीं तो जब ना धर्म ध्यान कृष्ण ध्यान की भेद है ना, और धर्म ध्यान में तो अध्ययन रूप है ना, आज्ञा विचय उपाय विचय विपाक विचय संस्थान विचय है, जो वो मूल तत्व है। ऐसी मैंने एक बात और भी कही थी, बंध और अबंध का निर्णय परिणति के आधार पर होता है, उपयोग के आधार पर नहीं होता है, सिद्धांत मालूम है क्या मतलब इसका। जैसे एक मुनिराज हैं, उनके 3 कषाय के अभाव रूप और मिथ्यात्व के अभाव रूप निर्मल परिणति है, और वे आहार भी कर रहे हैं तो भी उन दुष्ट प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, अल्प स्थिति अनुभाग वाला होगा, समझ गए ना। और एक आदमी जिसे सम्मदर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है और वो ऐसा आंख करके आत्मा आत्मा ही बोल रहा हो, भगवान का नाम भी ले रहा हो, तो भी उसे सभी प्रकार की जो बंधने योग्य 120 प्रकृतियाँ कितनी हैं, वो सारी प्रकृतियों का बंध होता है, 117 का निरंतर होता रहता, ऐसा नियम है। तो बंधन का निर्णय उपयोग से कहाँ होगा, अब वो चौथे गुणस्थान वाला का उपयोग आत्मा में भी है तो भी उसको उतना बंध का अभाव माने उतना संबर और उतनी निद्रा नहीं है जितनी छठवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को आहार करते वक्त है, उनसे अनंत गुणी जो भी बताया ना, असंख्य गुण निद्रा असंख्यात गुणी निद्रा है, तो परिणति के आधार पर होता है। परिणति माने वो 24 घंटा जो एक सी बरतती है, उपयोग माने जो बदलता रहता है।
तो ये परिणति और उपयोग का भेद पड़ता है चारित्र गुण में, लब्धि और उपयोग का भेद पड़ता है ज्ञान गुण में, और श्रद्धा गुण में ऐसा कोई भेद नहीं है। क्या लब्धि और उपयोग ऐसे भेद तो हैं और परिणति और उपयोग ऐसे भेद हैं, लेकिन देखो गजब की बात यह है कि परिणति और उपयोग, उपयोग दोनों जगह एक है, परिणति और उपयोग और लब्धि और उपयोग। तो ये दोनों उपयोग शब्द का प्रयोग है ना कमल जी, तो ये उपयोग शब्द का दोनों एक ही अर्थ में है कि अलग अलग अर्थ में? मुरानी जी जरा तोड़ो ना इसे, तो मालूम पड़ेगा एक एक ही है कि अलग अलग है। जब उसको तोड़ा ज्ञान वाले को, तो उसमें से निकला क्या उपयोग में? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग, केवल दर्शनोपयोग, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ये निकले। इसे तोड़ो कौन से उपयोग को? चारित्र वाले को। तो कैसे निकलेंगे? शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्ध उपयोग, तो अलग है ना। नाम एक है सुमन भाई, लेकिन वो एक एक चीज नहीं है, वो चीज बिल्कुल अलग है। परिणति और उपयोग वाली चीज बिल्कुल अलग है और लब्धि और उपयोग वाली चीज अलग है। तो अब वे कहते हैं कि तू जो ऐसा सोचता है कि मैं शुद्ध हूं, उसका अर्थ ये हो गया कि जिसके ज्ञान में वो शुद्धता, आत्मा की शुद्धता जो है परम शुद्ध निश्चय से, वो उसके ज्ञान का गेय बनी है, आ गई ना, और लब्धि ज्ञान में वो बनी है और श्रद्धा में वो आ गई है और परिणति में भी वो आ गई है। तो अब वो क्रमशः शुद्धता को प्राप्त हो गया है और आगे ऐसा ही रहेगा तो शुद्धता को बढ़ती जाएगी। क्या है ऐसा एक प्रश्न किया इसी समय सार में कि भैया हमने आत्मा को कैसे प्राप्त करें, क्या साधन है? प्रज्ञाचनी उससे प्राप्त करो कि प्राप्त कर लिया, अब इसको पूरा शुद्ध करना है तो क्या करें? तो उन्होंने आचार्य देव ने जवाब दिया, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से ही अरि ग्रहण करो इसे। जिससे विभक्त किया उससे ग्रहण करो, और ध्यान कैसे करें कि बस उसी को जानते रहो, ग्रहण किए रहो, ग्रहण किए रहो माने जानते रहो, इसका नाम ध्यान है। यदि लब्धि ज्ञान का नाम ध्यान है तो 24 घंटा ध्यान है। अब वो जो कमी होता है, वो जो शुद्ध उपयोग और ऐसा नहीं, वो ध्यान अलग हो गया ना इससे। आप सुनिए ना कि मेरे ध्यान में है ये बात, आप चिंता मत करो, मेरे ध्यान में है ये बात। जैसे लोक की वो अरबों की संपत्ति हमारे ध्यान में रह सकती है निरंतर, जिसके बल पर रीढ़ की हड्डी में ताकत होती है, कोई भी नुकसान हो जाए किसी की चिंता नहीं, परवाह नहीं, ये नहीं, क्यों? जब ये रुपया पैसा ध्यान में रहने से इतनी ताकत रहती है, और भगवान आत्मा का अनंत वैभव हमारे ध्यान में रहे तो कितनी ताकत आएगी, ये समझ लो आप, वीर कितना उत्साहमान होगा है? और ये जो जिसे हम संपत्ति कहते हैं, वास्तव में तो ये क्या है? शास्त्रीय भाषा में इसका क्या नाम है? परिग्रह। परिग्रह नाम है कि नहीं? जिसे हम संपत्ति कह रहे हैं शास्त्रीय भाषा में इसका नाम क्या है? परिग्रह। और परिग्रह क्या कौन है? पुण्य है कि पाप? धर्म तो बहुत दूर की बात है, और ये पाप है। और कैसा पाप है? बहवारम परिग्रस्या नारकस्यायुषा। उमा स्वामी लिखते हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का होना ये नरक आयु के बंध का कारण है। ये शास्त्रीय आधार पर इसकी पोजीशन है, लेकिन इसके भी ये भी हमारे लब्धि ज्ञान में बना रहता है तो हम कितने आनंदित होते रहते हैं। इसमें भी आनंद की वर्षा होती है, वो कोई किस जाति का आनंद है
जिस जाति की वो चीज है उसी जाति का आनंद है। वो पांच इंद्रियों के विषय रूप है, परिग्रह माने पांच इंद्रियों के विषय की भोग सामग्री। दूसरा अर्थ कर रहा हूँ, पहला अर्थ तो क्या हो गया, परिग्रह माने रुपया पैसा जो बोल रहे हैं ना, अब इस रुपया पैसे का मतलब क्या, पांच इंद्रियों के विषय भोगने की सामग्री जो हमारे इससे काम नहीं आती उसे हम कोई कीमत नहीं करते, जो काम आती है उसको हम कीमत करते हैं, है कि नहीं, उसे हम अपनी संपत्ति मानते हैं। तो पांच इंद्रियों के विषय भोग से जो आनंद उत्पन्न होता है वो आनंद लगातार बना रहता है उसमें, वो ध्यान में रहने से। तो ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो असली आनंद का केंद्र है, कंद है, उसी का बना हुआ है, वो ध्यान में रहेगा तो पर्याय में उसकी गंध निरंतर आती रहनी चाहिए ना, आती रहती होगी ना, आती रहती है, ये इसका अर्थ है। इसमें जो कलश है बहुत अच्छा, उसमें कह दिया, इसके बाद अपनी गाथाएं चलेंगी। यदि कथम अपि धारा बाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभ्यमाना शुद्धमात्मानमास्ते तदयमुदय तदात्मा राम आत्मानमात्मा परपरनतितिरोधात् शुद्धमेवाभ्युपेति। ये कलश है, इसके ऊपर बहुत अच्छा कलश है। इन दोनों गाथाओं कलशों पर तो मैं व्याख्यान कराया हूँ, वहाँ सिर्फ आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसलिए कि जिसमें आगे की गाथा जो चलेगी ना उसकी पीठिका के लिए। वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही थिर होता जावे पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। क्या अर्थ है, वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अब इसे चाहे ध्यान कह लो, चाहे भेद विज्ञान का अविरल धारा प्रवाह कह लो, चाहे लब्धि ज्ञान की उपलब्धि कह लो, जो भी नाम देना हो दो, है ना। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, माने हमने ये जान लिया कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पर से और पर्याय से भिन्न है, हमने ये जान लिया कि वर्णादि और रागादि से भिन्न है, और ये भेद ज्ञान जो हमने जाना, इसको पहले ऐसा समझो, पहले जाना कैसे, एक क्रम है, कैसा क्रम है, पहले जाना गुरु के उपदेश से, माने देशना लब्धि से, शास्त्र में ना पहले देशना लब्धि मिलती है। दो लब्धियों की बात नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ, कि वो तो तेरे को प्राप्त है, वे तेरे अंदर की चीज है, सर्वोपम लब्धि और विशुद्धि लब्धि। सर्वोपम लब्धि नहीं होती तो समझ में आता ही नहीं तेरी, और विशुद्धि लब्धि नहीं होती तो तुम समझने ही नहीं आता। अब कहते हैं कि जो गुरु के मुख से तूने समझाया, शास्त्र पढ़ के बात समझी, अब वो समझ के उसमें पक्का भरोसा हुआ, अभी अनुभूति नहीं हुई, और अब भेद, अब वो भेद विज्ञान की धारा, ये जुदे और मैं जुदा, ये जुदे और मैं जुदा, और मैं तो ऐसा हूँ, ज्ञान का घनपिंड हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, ऐसे भेद विज्ञान की जो ये धारा अविरल बही, भेद ज्ञान की इस अविरल धारा प्रवाह से। नदी किसे कहते हैं, पानी को, बहते हुए पानी को, यदि वो पानी स्थिर हो जाए तो उसका नाम झील हो जाएगा, तालाब हो जाएगा, उसका नाम समुद्र हो सकता है, लेकिन वो नदी नहीं रहेगी। गंगा कहाँ से, गंगा कहाँ से निकली, गंगोत्री से, कहाँ गई, बंगाल की खाड़ी में, तो जब खाड़ी में पहुंच गई तो गंगा नहीं रही, फिर तो बंगाल की खाड़ी हो गई, और जब तक वो गंगा है तब तक खाड़ी नहीं है, और खाड़ी है तब गंगा नहीं है। तो भेद विज्ञान की ऐसी धारा अविरल रूप से बहनी चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, कैसे भी कर, कैसे भी कर का ऐसा नहीं कि अनेक उपाय हैं, कैसे भी कर का ये अर्थ नहीं है कि अनेक उपाय हैं, उपाय तो एक ही है, माने पूरी शक्ति लगाकर कैसे भी कर
प्राप्त करे जो शुद्धात्म को। अब एक तरह वो शुद्धात्मा अनुभूति का विषय बन गया। अब क्या करे फिर, अब और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, उसमें ही स्थिर होता जावे। तो स्थिर हो जावे और होता जावे क्या फर्क है? क्या विपुल? हो निरंतर हो जावे माने संवर, और होता जावे माने निर्जय। समझ में आ गई ना अंतर? समझ में आया ना हेमचंद जी? ठीक है। और निरंतर उसमें ही स्थिर हो जावे संवर, और होता जावे माने निर्जरा, और पूर्ण हो जावे माने मूल। शास्त्र में ऐसा भी मिलेगा आपको कि मोक्ष में कोई ध्यान नहीं होता। तो ये वकीलों को अदालत के लिए छोड़ देना। क्या कह रहे? कह रहे वो तो बिल्कुल बस कानूनी मुद्दा है, उसमें कुछ तथ्य नहीं है। कि जब वो मोक्ष में पहुंच गया जीव, तो फिर वो आत्मा को में जो उसकी स्थिरता है कि नहीं है? क्यों? वो आत्मा को जान रहा तो जानता, निरंतर जान रहा है कि नहीं जान रहा है? तो ध्यान क्या नहीं होता? अब वो कुछ मिटा कुछ नहीं है, बल्कि और पक्का हो गया। लेकिन अपन जब कहते हैं पढ़ाई चालू है और पढ़ाई बंद हो गई, भाई ऐसी बात है कि जब पढ़ाई पूरी खत्म हो गई ना, एम ए पास, पी एच डी हो गए खत्म, अब तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई चालू है कि नहीं चालू है? अब तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई कोई चालू नहीं है, ऐसी है वो है, वो चीज जो प्राप्त हुई वो तो है। तो उन्होंने कहा ध्यान चार ध्यानों का तो गुण स्थानों में गिनाए, उनने कौन से गिनाए? पहले गुण स्थान में आर्ध ध्यान, क्यों? तो चौथे में आर्ध होता है, फलाना होता है, गिनाए धर्म ध्यान शुरू हो जाता है, फिर पाँच में तक ये, फिर आठ में नौ में जो भी शुक्ल ध्यान का पहला पाया, फिर दूसरा पाया, फिर तीसरा पाया, चौथा पाया, तो गुण स्थान में खत्म। अब तुम्हारे जितने ध्यान के भेद गिनाए थे वे सब खत्म हो गए, इसलिए मोक्ष में कोई ध्यान नहीं रहा। आप समझे ना, ऐसा है। अब लड़ते हैं मुफ्त में, मोक्ष में ध्यान नहीं होता, वो कहते मोक्ष में ये कह रहे ध्यान नहीं होता, हम कहते निरंतर ध्यान होता है। अरे निरंतर होता के अर्थ ध्यान नहीं होता। जो अपन ने परीक्षा दी थी पढ़े थे, अब उसके बाद में निरंतर पढ़ाई चालू है कि नहीं है? है कि नहीं? एक लड़का था, वो पढ़ता था अपने में, तो पिताजी को चिट्ठी लिख रहा था, तो संस्कृत में चिट्ठी लिखता था कि मैं आजकल बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ, आप चिंता मत करना। तो पिता कहते हैं पढ़ने को भेजा और पढ़ा रहा है, ये क्या लिखता है? क्या छोटा बच्चा है, पढ़ने पढ़ाने का फर्क समझते ही नहीं होगा, तो वो समझ देते हैं पढ़ रहा है। वो लिखता था क्या? पढ़ा रहा हूँ। और जब वो प्रोफेसर हो गया तो लिखने लग गया कि अब मैं बहुत शांति से पढ़ रहा हूँ। अभी तक इतनी अकल नहीं आई इसको, किसने प्रोफेसर बना दिया? तो जब उससे पूछा तो उसने कहा जब मैं पढ़ रहा था, जैसे आप पढ़ना बोलते हैं, तब तो मैं अपने टीचर को पढ़ा रहा था, पढ़ता तो वो था वास्तव में, क्योंकि वो ज़्यादा सीखता है। और अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वास्तव में मेरे ज्ञान की वृद्धि अभी हो रही है, मेरी पढ़ाई चालू है। तो नहीं ना, हम ऐसा सही अर्थ नहीं समझते हैं। हम स्थूल दृष्टि से विचार करते हैं तो हम उनका जैसा अर्थ करते रहते हैं, जैसे उस वैज्ञानिक के बारे में कहा जाता है ना। एक वैज्ञानिक था, उसने घर में दो बिल्ली पाल रखी थी, तो घर का उसने मकान बनाया, कहते हो अपन बाहर हों, बिल्लियाँ अंदर हों, और कोई इमरजेंसी खड़ी हो जाए और बिल्लियों को बाहर जाना हो तो आती जाती रहें, इसलिए किवाड़ में छेद कर दो। तो उसने दो, एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो कारीगर ने एक छेद कर दिया। तो उसने कहा तुम इसमें से एक बिल्ली निकल जाएगी और दूसरी कहाँ से निकलेगी? क्या साहब वो भी इसमें से ही निकल जाएगी, वो तो छोटी है इससे। अरे छोटी है तो क्या होता है, निकलेगी कैसे? तो अब साहब, साहब कैसा आदमी? अब वो साहब उस पर आश्चर्य करें और वो साहब पे आश्चर्य करें। अच्छा निकल जाएगी? क्या निकलेगी? निकाल के बता।
उसने पहले बड़ी निकाल दी, छोटी निकाल दी। बोले ये क्या किया? अरे मूर्ख, घर में जब गैस लीक हो जाएगी तो उस वक्त एक एक समय की कीमत होगी। उसमें उसने जवाब क्या दिया? टाइम इज मनी। टाइम जो है वो बहुत सबसे बड़ी चीज है। टाइम इज फैक्ट। आप समझे ना कि दोनों एक साथ निकलना चाहिए, क्योंकि वो जब तक बड़ी निकलेगी और छोटी रुक जाएगी तो फिर वो बेहोश हो जाएगी, फिर नहीं निकल पाएगी। समझे ना? टाइम इज फैक्ट, माने समय की, उसकी समझ में ये नहीं आता था कि एक समय में निकलना चाहिए, और इसकी समझ में ये नहीं आता था। वो कैसे नहीं निकलेंगी? एक क्षेत्र में से दोनों कैसे नहीं निकलेंगे? अब देखिए, अपना दरवाजा बनाते हैं ना, और इमरजेंसी डोर होते हैं ना, रेल में, प्लेन में, सब जगह। माने इतनी तेजी से निकलना चाहिए। वैसे तो एक दरवाजे से सब निकल जाते हैं और आ जाते हैं, लेकिन इतने यात्री होंगे तो 8 दरवाजे होने चाहिए, और 8 एक साथ खुल जाएं, जिनमें फटाफट सब लोग निकल जाएं। समझिए ना, वो इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं ना जिसे आपको। तो ऐसे ही इसमें हर एक चीज में ऐसी बात होती है बारीक, जो साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं, और वो उन वैज्ञानिकों को मूर्ख समझते रहते हैं, और मूर्खता के नाम पर उनको उदाहरण दिया करते हैं, और दुनिया उन पर हंसती रहती है। तो वो कहते देखो भेद कितना, मोक्ष मार्ग कितना सरल और सीधा है। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से, अब भेद ज्ञान तो पहले बता दिया क्या, पर से व पर्याय से भिन्न, वर्णादि और रागादि से भिन्न, गुण भेद से भी भिन्न, मैं हूं ये निर्णय किया, ये भेद विज्ञान है। अब इसके अविरल धारा प्रवाह से, वो अजपा जाप, अब ये अजपा जाप जिसे अपन ध्यान भी कह रहे हैं, कि वो अंदर जब तुम ध्यान करो तब तो ध्यान है ही, और जब ध्यान नहीं कर रहे तब भी ध्यान है। यदि बहुत सी चीजों का अजपा जाप चल रहा है आपके, आएगा। आज किसी ने, किसी बहन ने बहुत बढ़िया खीर बनाई और अपन लोगों ने खाई, गजब की खीर। ऐसी खीर तो मैंने 25 साल पहले वहाँ गया था उसकी, उसके घर पे खाई थी। तो 25 साल से आज तक ऐसी खीर मुझे खाने को नहीं मिली, आज मिली है। अब वो खीर का अजपा जाप चल रहा है 25 साल से, ज्ञान के अविरल धारा प्रवाह में, समझ लो। नहीं तो काम एक समय को भी ज्ञान में से निकल जाती, लोग जी ज्ञान में से, तो फिर वो नहीं आती याद, फिर वो स्मृति में नहीं आती। वो अवग्रह ही आवाज धारणा हो गई थी और बराबर है? अब समझ लो कितनी कितनी चीजों की चल रही है। जिन्हें भूलना चाहिए था वो तो भूलते नहीं है, और जिन्हें नहीं भूलना चाहिए वो भूलते जाते हैं। खेमचंद भाई जब पढ़ाते थे तो एक बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, जो पुराने लोग हैं, क्यों जगदीश भाई, कि जो स्मरण करने लायक है अनादिकाल से उसे स्मरण किया नहीं, और जो विस्मरण करने लायक है उसका तू नित्य स्मरण करता है। अरे उस खीर का स्वाद भूलने लायक है? जिसे बोलते हैं प्रत्यभिज्ञान, पुराने प्रत्यक्ष से वर्तमान प्रत्यक्ष की तुलना करना। तो जैसा हमारा निरंतर होता है ना हर एक बात में, 5 इंद्रिय के विषयों में पुराने से नए की तुलना हम करते रहते हैं ना, इसका मतलब वो हमारे ज्ञान में बैठा हुआ है। लेकिन हमें से आज तक कोई ऐसा नहीं कहता है कि भाई डॉक्टर साहब आप पर साल आए थे तब भी आपने ये बात कही थी, और इस साल फिर हमें वही सुना रहे। क्यों? कोई नहीं कहता, वो बात नहीं बैठी ज्ञान में, नहीं बैठी, नहीं है उसका आज बाज आप नहीं हुआ। हमें तो बहुत फायदा है इससे, क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी पड़ती कि नया नए बताने की। क्यों? हमें तो बहुत अच्छा है। लेकिन भाई साहब ये रहना चाहिए ना अंदर में जो असली बात है। मैंने फिलोसफी में एक मनोविज्ञान का भी पेपर आता है, भी आता था फिलोसफी में, एक पेपर आता है बीए में,
साइकोलॉजी का, तो साइकोलॉजी के पेपर में 10 वो थे चैप्टर, एक लर्निंग मेमोरी ऐसे, मतलब समझे ना, सीखना याद रखना, ऐसे अलग अलग चैप्टर थे। तो जो मेमोरी वाला चैप्टर था उसमें ये लिखा था, अच्छी मेमोरी का सबसे बढ़िया उपाय क्या है, समझे ना, मुझे मेरी याददाश्त बढ़िया रहे इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या है, ये प्रश्न था। और उत्तर क्या होगा, उत्तर लिखा था भूलना। क्या पागल बन, उन्होंने कहा कि अपने जो दिमाग में एक लिमिटेड कैपेसिटी है ना, जैसे आपका फोन होता कुछ होता, 10 नंबर इसको याद रह सकते हैं, तो आप यदि 10 वो करोगे ना तो 11 उसमें डालोगे तो एक एक निकल जाएगा, पीछे का निकल जाता ना, तो वहाँ तो वो पीछे का निकलता है। अब अपने दिमाग में क्या होता है, अपने दिमाग में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कितनी हो लेकिन लिमिटेड है, उसी का नाम तो चेतन ज्ञान है। तो उसमें जितनी चीज़ें हम नई डालेंगे तो उनमें से पुरानी निकल जाएंगी, नई डालेंगे पुरानी निकल जाएंगी। अब पुरानी कौन सी निकले, उसमें तो ये नियम है जो सबसे पुराना है वो निकल जाएगा, इसमें क्या नियम है, जो जिसमें आपकी रुचि है वो कायम रहेंगी और जिसमें रुचि नहीं है वो निकल जाएंगी, ये है ना। तो अच्छी चीजों में आपकी रुचि नहीं है तो वे निकल जाती हैं, और बुरी चीजों में आपकी रुचि है तो वे कायम रहती है, समझे ना। उनकी छटनी कैसे होती है, उसका नियामक कौन है, ऐसा लगा अटेंशन का नियामक कौन है, तो कहा इंटरेस्ट। जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आप सावधान रहते हैं, अटेंशन, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप सावधान नहीं रहते। तो वो छटनी कैसे होती है, आप अपनी रुचि बदलिए तो विषय कैसा है कि सब बातें भूल जाएंगे और अपने तत्व की सब बातें याद रहेंगी। आपकी रुचि इस विषय कैसा में होगी तो तत्व की सब बातें भूल जाओगे और वे सब याद रहेंगी। गाथाओं के नंबर सब भूल जाते हैं और फोन नंबर सबको याद रहते हैं। ये फोन नंबर भी आसान है, 10-10 नंबर, एक एक के 10-10 नंबर होते हैं कि नहीं होते, और ये सैकड़ों याद हैं, ये फटाफट ये कर देते कि नहीं कर देते, फटाफट करके। और धर्म की बात पूछते हैं तो एक गाथा याद नहीं होती है, क्यों है, क्योंकि कैपेसिटी थे जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। और मुझे सच बोलता हूँ, मेरे घर के नंबर भी याद नहीं है, बच्चों के तो दूर जाने दो, है ना। मेरा नंबर भी आप पूछोगे तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, है? और आपका कितने बाल बच्चे हो, एक एक के पास 3-3 फोन कितने याद रखे हैं, लेकिन सब याद है, क्यों, अड़ोसी के कहते पूरी डिक्शनरी है, आपका दिमाग पूरी, आपके सूक्ष्म ज्ञान में कमी थोड़ी है, सूक्ष्म ज्ञान में कमी नहीं है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसमें आ रहा है, ये न्याय है। तो आप अपना रुचि बदलिए, ये चीज़ें याद रहने लगेंगी, वो चीज़ें भूल जाएंगी। असलियत में जिसका अजपा जाप होता है वो याद रहती हैं, वो लब्धि ज्ञान में धारा प्रवाह रूप से वो भर रहना चाहिए। ये लिखा है इसमें, वेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, शुद्धात्मा को प्राप्त करे और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। बस कदम फिर होता जावे माने क्या, क्योंकि चारित्र में थोड़ा क्रम है ना, होते जाने की सम्यक श्रद्धा, सम्यक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान में तो क्रम नहीं, तो एक झटके का काम है, या इस पार या उस पार, निरंतर फिर होता जावे तो पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे, यानी मोक्ष में, यहां से लेकर यहां तक मोक्ष मार्ग में पहुंचा दिया। अभी इसको जरा नेगेटिव अर्थ करो,
कि भैया हमें आत्मा का कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए। तो कहा भेद विज्ञान करना चाहिए। कि ठीक है भेद विज्ञान कर लिया फिर क्या करना चाहिए। कि भेद विज्ञान करते रहना चाहिए। कहते ठीक है वो भी कर लिया फिर अब फिर क्या करें। कि अब कुछ बाकी रह गया करने को। हो गया क्या करो करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। समझ गए ना आप। इसका मतलब है व्रत उपवास करें कि नहीं करें, दान देवें कि नहीं देवें, भक्ति करें भगवान की कि नहीं करें। अब जितनी भी चीजें और धर्म के नाम पे चल रही हैं उन सब को लो तो वे क्या है, करें कि नहीं करें। क्यों तो हम एक झटके से कह देते नहीं करें कि करो और कि नहीं करो। हो तो हों दो और नहीं होने तो नहीं दो। करते क्यों हो, होने दो ना। समझ गए ना। दान देने का भाव आता है तो आने दो, देते हो तो देने दो, नहीं आता है तो मत दो। क्या है सहज रहो ना। पूजा भक्ति का भाव आता है तो खूब करो, नहीं आता है तो नहीं आने दो। तुम कुछ मत करो, तुम उसके बारे में कुछ नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। तुम होगा क्या, जो होना होगा सो होगा, क्योंकि उसकी फिक्र करता है। फिर आप गुरुदेव की भाषा में कहेंगे तो कहेंगे भूमिका के अनुसार भक्ति का भाव आए बिना रहता ही नहीं है। जरा कल्पना तो करो आप, जो चीज़ आपको अनादिकाल से आज तक समझ में नहीं आई थी अनंत प्रयत्न करने के बाद, और आज जिसके निमित्त से समझ लो उनने समझा और अपने समझ में आ गई, तो उसके प्रति तेरे हृदय में भक्ति का भाव नहीं आएगा, उसकी सुविधाएं जुटाने का भाव तेरे हृदय में नहीं आएगा। क्यों गुरुदेव में आए बिना रहता नहीं है का ये अर्थ है। तो फिर करें ना, कि करने में कर्तृत्व आता है और आए बिना रहने में नॉर्मलिटी आती है। क्यों अपन को पूज्य गुरुदेव जी से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, ख्याल में आई ना, और तो अपनों उनके प्रति नहीं आएगा श्रद्धा का भाव। आएगा, आना चाहिए नहीं, आएगा ही। अब मैं पूछता हूँ कि गुरुदेव के अलावा भी और बहुत ज्ञानी हो गए ना, जिनमें मान लो श्रीमद हैं और अपन पंडित टोरामल जी हो, जो भी नाम लेना हो, वहाँ से भगवान महावीर से लेके यहाँ तक की परंपरा में जो ज्ञानी जन हैं वो भी हैं, और वो गुरुदेव से भी ज़्यादा ज्ञान में नहीं तो उसमें तो थे ही ना, पाँचवें गुणस्थान वाले, छठवें गुणस्थान, सातवें गुणस्थान वाले है ना, और तेरहवें वाले मोक्ष वाले, लंबी परंपरा लगी ना। अब उनसे अपन तुलना करें, उनकी तो करी नहीं, इनकी तो कर दी, इनकी तो करी नहीं, अभी ऐसे कर करके तुम वहाँ ले जाए तो उनको तो फिर नंबर ही नहीं आने। अपन क्या करते हैं फिर, अपन करते क्या है बोलिए। हाँ ठीक है, भगवान महावीर का नाम ले लिया अपने पूज्य गुरुदेव जी, आखिर तो बीच में इतनी लंबी परंपरा की उपेक्षा होगी ही ना, क्यों नहीं, हम क्या करेंगे उसमें, क्योंकि वे तो आनंद थे। तो उसके लिए शास्त्र में बहुत बढ़िया बताई कि दो तरह के गुरु होते हैं, एक निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। निरपेक्ष गुरु का मतलब समझे कि देवसाज गुरु वाले जो गुरु हैं वे निरपेक्ष गुरु हैं, उनने हमें कुछ पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया इससे कोई मतलब नहीं। यदि वो छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में हैं तो हम उनके भगत हैं, हैं और हैं, उनकी देवसाज गुरु की पूजा हम रोजाना करेंगे करेंगे और करेंगे। उनसे ये अपेक्षा नहीं है कि उनने हमारा उपकार किया कि नहीं किया, ये उनको बोलते हैं निरपेक्ष गुरु। समझ गए ना। और एक वे ज्ञानी धर्मात्मा जिनसे हमारा उपकार हुआ है उनको हम करेंगे, और उन्हीं के स्तर के और हजार होंगे तो उनको नहीं करेंगे। गणित का प्रोफेसर जिसने हमको पढ़ाया है उसको हम नमस्ते करेंगे, पूरी विनय करेंगे, और उसी के स्तर के हजारों विद्वान हैं और उससे भी ज़्यादा विद्वान हैं, तो उन सब की हम वैसी विनय करते हैं, कर सकते हैं क्या, हो सकती है। इसको बोलते उपकारी गुरु। जो अंतर सापेक्ष गुरु, तो वे हमारे सापेक्ष गुरु हैं, जिसको जिससे मिला होगा
उसको उसके प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहेगा नहीं। यही गुरुदेव की मर्यादा थी कि नहीं, कैसे में शंका है क्या? देखो अब भी आज पलट जाओगे तो पहले नक्की कर लो क्या नक्की करना है। जिससे हमारा उपकार हुआ होगा उसके प्रति हमारा अटूट भक्ति का भाव आए बिना रहेगा नहीं। पक्की बात है ना? अब मैं जिससे आप उखड़ के भग जाओगे वो बात कहता हूं। क्यों? अब किसी को हेमचंद जी से तत्व ज्ञान की बात मिली और वो इस लैंड में आया, तो उस नियम के अनुसार उसके हृदय में हेमचंद जी के प्रति उतना ही भक्ति का भाव आना चाहिए कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा? हमको ऑब्जेक्शन है। क्यों तुम हेमचंद का नाम क्यों लेता, गुरुदेव का क्यों नहीं लेता? अरे तुम्हारी क्या ताकत है, तुम क्या रोक सकते हो? जिसने इनसे सीखा उसे इनके प्रति आएगा कि गुरुदेव के प्रति क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं, हम तो कहते नहीं आएगा। वे तो और जैसे अनंत ज्ञानियों के प्रति आता है ना, जिनसे हमारा उपकार नहीं हुआ, यदि सीधा उनसे हमें नहीं मिला है तो वैसा उनके प्रति भी आएगा। ये फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये फर्क आज हमें बर्दाश्त नहीं है, अपनी छाती पे हाथ रख के सोचें। ये तो बात जाने दो कि जिनने माने पढ़ाया है दो दो पांच पांच साल तक, उसके बाद काला अक्षर भैंस बराबर था और फिर सीखा है, उसकी तो जाने दो। लेकिन जिसने इतना कह दिया हो कि तुम जाओ और जयपुर विद्यालय में भर्ती हो जाओ, तुम्हें यदि समझना है तो, और वो चला गया हो, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता है उसको। आप समझिए ना, हाँ, जिसने प्रेरणा दी वो, उसे कुछ नहीं आता जिसने प्रेरणा दी। फिर भी मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ कि जब हमारे पहले बैच के विद्यार्थी 13 विद्यार्थी थे, जिसमें एक जतीश भाई तो थे ही, थे जब सब अभय कुमार वगैरह, लेकिन एक विद्यार्थी का नाम था, क्या नाम, संतोष है ना, हाँ, कटनी में एक, वो इंजीनियर पास होकर के और वो हमारे यहाँ आया था पढ़ने के लिए, उसी क्लास में, पहली क्लास में। अब हमने एक बरस के बाद जब वो आता, जब 5 बरस बाद वो जाने लगते हैं ना, तो हमारे यहाँ एक विदाई समारोह होता है, अभी भी होता है, तो हम सबसे कहते हैं कि आपको इस बात की प्राप्ति कैसे हुई, जो ही वो बताएं आप अपने बच्चों को कैसा लगा 5 साल पढ़ के जिंदा, तो क्या श्रद्धा बनी, मैंने अपने उद्गार प्रकट करो, और भविष्य में कोई मार्गदर्शन देना हो तो मार्गदर्शन दो कि भाई एक एक काम और होना चाहिए विद्यालय में, ठीक नहीं हुआ, ऐसे हम हर साल मीटिंग करते हैं। तो वो मीटिंग करी तो उसे खड़ा किया बोलने के लिए, तो हम लोगों ने 5-5 साल तक उसे पढ़ाया था, जब आया था वो काला अक्षर भैंस बराबर था, तो उसने अपने 5-10 मिनट के भाषण में 8 मिनट तक तो उस व्यक्ति की प्रशंसा करी कि जिसने उसे रेल में कहा था कि तुझे इंजीनियर हो गया तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, धूल है, तुझे यदि सतली चीज समझना है तो जयपुर में पढ़ने जा, और इतना कहा था जिस आदमी ने, उसके बारे में 8 मिनट बोला और हम लोगों को 2 मिनट में निपटा दिया। तो जो मैंने उस वक्त दीक्षांत भाषण दिया उसमें मैंने ये कहा कि देखो वो टर्निंग पॉइंट कितना महत्वपूर्ण होता है। आप समझे ना, ये 5 साल से निरंतर हम पढ़ा रहे हैं, क्यों, पहले 3 बैचों को तो मैंने खुद पढ़ाया है सब सब सब्जेक्ट क्या, और हम सामने बैठे हैं, कोई मुंह देखी भी तो करता है ना कोई, और वो आदमी नहीं है यहां क्या। वो दमोह में एक पंडित भगवान दास जी थे, वो बहुत अच्छे विद्वान ज्ञानी थे ऐसा लोग मानते हैं, मेरा ज्यादा प्रचार नहीं है लेकिन अच्छे आदमी थे इतना मैं जानता हूं, तो उनका नाम लिया उसने। माने इस परम सत्य को जब हम गुरुदेव श्री की भक्ति करते हैं और कोई हमसे कहता है कि तुम इतनी अच्छे भक्ति क्यों करते हो, तो हम डाक छाती के ठोट करके कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि वे हमें उनसे साक्षात प्राप्त हुआ है, उसी गुरु ने समझाया, वे तो निमित्त मात्र हैं, होता तो उपादान से है, ये समझाया तो भी हमें इतनी महिमा आती है। अब वो ही नियम आगे हम लागू नहीं कर पाते,
ये गंभीरता से सोचने की बात है कि नहीं बोलो? अरे तुम नहीं करो, तुम क्या समझते तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे से रुक जाएगा? तुम नहीं करोगे वो तो प्रकृति का नियम है भाई साहब। हम माँ की महिमा समझाएंगे और अपने माँ के गीत गाएंगे कि हमारी माँ ने हम पे कैसा समर्पण किया, और हम उसके गीत गाएंगे तो जितने श्रोता बैठे हैं और बच्चे बैठे हैं उन्हें सबको हमारी माँ की महिमा नहीं आएगी, अपनी माँ की महिमा आएगी। और हम समझ रहे कि हमारी अम्मा की महिमा इन्हें आवे तो हम समझा रहे खूब डट 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 के, और वहाँ उसे अपनी अम्मा की महिमा आती है, हम माता ठोक के रोते हैं। अरे तुम गुरु की महिमा समझाओगे तो उसे गुरु की महिमा आएगी ना। इस अखंड प्रवाह को हम नहीं रोक सकते। रोक सकते होते तो रोक दिया होता, रुक जाता, लेकिन इस परम सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, आना ही चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि उससे वो अवरल धारा प्रवाह जो वस्तु है वो उसके दिमाग में बह रही है, तो वो फिर गुरु की भक्ति तो करना चाहिए। गुरु कहते नहीं, आए बिना नहीं रहेगी, देवसाज गुरु के प्रति भक्ति आए बिना नहीं रहेगी। सर्वज्ञ की वाणी में से बात आई तो सर्वज्ञ के प्रति आ जाएगी, इसमें लिखी हुई मिली इसमें समाजशास्त्र की भी आएगी, और गुरु जी ने जीवन में अपनाया बेकौन निरपेक्ष गुरु तो उनकी भक्ति आएगी, और जिनने हमें बताया वे सापेक्ष गुरु उनकी भी भक्ति आएगी। ये सब ऑटोमेटिक आएगी, लेकिन ये अविरल धारा प्रवाह से रखने लायक नहीं है। अविरल धारा प्रवाह में जो इन सब ने बताया है वो रखने लायक है ना। अब प्रश्न ये है कि इन प्रकारेण संवरो भक्ति थी चेत, कोई कहे कि ये संवर जो तुमने कहा है इससे होता है, तो वो उसका प्रकार क्या है? वहां था कथम, कैसे और केन प्रकार इनमें क्या फर्क है संस्कृत में? देखो ऊपर क्या था, कथम कथम शुद्धात्मोपलम्बा है ना, यहां केन प्रकार है, तो उसी उसी को फिर सरे किस प्रकार से बात होगी, पहले उसी बात को आप और विस्तार से समझाइए। अभी एक गाथा में कही थी, अब तीन गाथा में कह रहे हैं, तीन गाथा में और जरा खोल के कहेंगे, उसकी चर्चा करें।